झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 आखिरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन नहीं लाया जा सका। सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष के भारी विरोध की वजह से यह एक्ट सदन पटल पर नहीं लाया जा सका। पहले दिन हेमंत सोरेन की सरकार ने 6 विधेयक को सत्र में पारित करने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट में एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद उसे 6 माह के अंदर राज्य विधानसभा से पारित कराना आवश्यक किया गया है। कल पहले दिन हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से 2800 करोड़ से अधिक का पूरक बजट प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा कोरोना काल में खनिजों पर सेस लगाए जाने संबंधी विधेयक को पेश किया गया। जीएसटी से संबंधित 3 विधेयक सदन पटल पर रखे गए। कुल मिलाकर 6 विधेयक कल सदन पटल पर रखे गए। इसमें लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की समेत भाजपा वामपंथी दलों आदिवासी संगठनों की तरफ से म्यूटेशन एक्ट बिल का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी बिल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक को लेकर इसे काला कानून कहा है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सरकार दोषी राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया है। झारखंड की राजधानी रांची, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गढ़वा, लातेहार, सरायकेला खरसावां समेत अन्य जगहों आदिवासी और मूल वासियों की हजारों एकड़ जमीन की गलत जमाबंदी की गई है, जिनमें से कई मामले समाहरणालय और निचली अदालतों में लंबित हैं।